हेयर कटिंग के हवाले से आप मुख्तलिफ शोज हमारे पास देख रहे हैं जी हाँ, पेनलेस टीवी पे तमाम चीजें आप देख रहे हैं और रिजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिस सेगमेंट में आप पर हमारा साथ है वो है सिंघार विद रिजा। रिजा से बात करेंगे, कटिंग का ही है तो जाहिर है कटिंग पे ही कुछ होगा, लेकिन रिजा बोलेगी थोड़ी देर बाद। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, रिजा का स्काफ जो है ना वो हमेशा की तरह बहुत अच्छा, माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा। आज क्या करेंगे कटिंग के हवाले से रिजा? जैसे शुरू में हमारा हम कमिटेड थे, हमने कहा था कि हम एक महीना तक ये कटिंग दिखाएंगे, और पहले हमने आपको एक हेयर कट दिखाया, फिर हमने लॉन्ग कट आपको दिखाया कि लॉन्ग में भी क्या करना चाहिए। इसके अलावा अभी जो हम कर रहे हैं वो स्टेप कटिंग में है पूरा। अच्छा। और शॉर्ट कट यानी मोस्टली जो बहुत ज़्यादा खवातीन जो शॉर्ट हेयर्स होते हैं जिनको आदत होती है, तो उनके भी थोड़ा सा कटिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए, और स्टेप कटिंग जो होती है मोस्टली लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज हमारे क्लाइंट का स्टाइल ये बहुत पुराना है, ये हमेशा इसके अलावा कोई कटिंग नहीं लेते। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत साल हो गए और मेरे सामने तक मेरे पास में आते हुए, और मैं उनको यही कट जो है ना हमेशा देती हूँ। अगर वो मैं यहाँ ना भी हूँ तो फिर वो कटिंग अपनी बढ़ा लेती हैं, फिर दोबारा मेरा तो कटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन बेहाल आज हमने डॉक्टर जोया है उनका कट करें। ठीक है, चलो जी हम कटिंग देखते हैं। इनका कट जो है फ्रंट से बहुत शॉर्ट होता है, ये किस ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा फैशन ये कट था, और फ्रंट जो इनका शॉर्ट है और पीछे से जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग रखती है अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। तो बहरहाल ये जो है हम लोग इनका जो है इस बस स्टेप्स कटिंग करेंगे। तो ये स्टेप्स कटिंग आप देख रहे हैं, जब पीछे से इनके बाल ऑलमोस्ट जो है बड़े हो गए हैं, आगे से भी बहुत फ्लैट हो रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि जब कटिंग की जाएगी तो इनके बालों का लुक बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, सही है, हम स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल स्टार्ट, अच्छी तरह वेट कर लेते हैं बालों को। जितना बालों को आप वेट करेंगे ना उतने ही कटिंग में आपको आसानी हो जाएगी, और बाल बहुत प्रॉपर कट में आ जाते हैं, स्टेप्स लेने में भी आसानी होती है। फ्रंट से क्लिप्स लगा देंगे ताकि ये पोर्शन को बिल्कुल अलग कर दें। बेस लाइन हम पहले बना लेंगे। अच्छा, अमूमन जो कटिंग जो होती है ना ये डिग्रीज पे चलती है, कहीं भी मैं 30 डिग्री पे कटिंग लेनी पड़ती है। जैसे अब मोस्टली जो नीचे का आपका होता है ये आपका 30 के करीब होता है, किसी तरह आपका 60-90 डिग्री पे चला जाता है। थोड़ा सा आप इसकी डिग्री के हिसाब से अगर चलें तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। हमेशा चेक कर लेना चाहिए, एप्रेंस में अक्सर बाल रह जाते हैं। अच्छा, उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है कि बड़े बाल निकल आते हैं। अक्सर कटिंग के लिए लोग आते हैं, कटिंग करवा के आते हैं, शायद ख्याल नहीं करते उस वक्त प्रॉब्लम होती है कि ये बाल जो है ना एप्रेंस से बड़े बाल निकल आते हैं। और फिर कटिंग होने के बाद जिसकी कटिंग हो रही होती है उसको भी बड़ा मजा आता है, अपनी अपना कहते हैं ना फ्रेश सा चेहरा देख के, क्योंकि कटिंग के बाद आपका चेहरा एकदम निकल के सामने आता है। बालों में वेव्स होते हैं उनके लिए स्टेप्स कटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि उस वो बहुत जल्दी आपके वेव को होल्ड कर लेती है, कटिंग को होल्ड कर लेती है, और देखने में भी स्टेप्स अच्छे आते हैं।
अब हम एंटी के करीब चले जाएंगे और इस तरह हम जो उनके ऊपर जितना भी हो सके स्टेप्स बनाएंगे ताकि अच्छी अच्छी कटिंग होगी तो फिर उनके स्टेप्स प्रॉपर नुमाया होंगे, क्योंकि मुझे ग्रेजुअली इनके बालों को ऊपर से शॉर्ट रखना है। देखिए शगुफ्ता, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है, मुझे इनका वॉल्यूम चाहिए आगे। जब बाल कम हो जाते हैं तो आपको वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, फिर जितना शॉर्ट कट होता है उतना वो वॉल्यूम ही होता है कि एक स्टाइल आपका लुक आने लगता है, उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आज हम ये इनका शॉर्ट, क्योंकि बड़े हो गए, ये भी बड़े हैं इनके लिए, तो आज हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कट देंगे। शॉर्ट कट हम जो है इनका शॉर्ट लेंगे। बड़ा छोटा ना, कि जब कटिंग आप करते हैं तो प्रॉपर कटिंग आपकी जब ही होगी, जब आपका बाल आप जिधर से उठाएं एक जैसा नज़र आना चाहिए। आप इसे स्लाइसिंग भी करें लेकिन जो उसके बैलेंस होता है वो एक जैसा होना चाहिए। एंगल से बालों को काटा है लेकिन जब हम उसको उठा कर चेक करते हैं, लेकिन लिफ्ट करने में ये बाल हर एक जगह से बराबर आता है। कभी भी आप कहीं से कटिंग करवाएं ना, हमेशा सबसे अच्छा है आपके जजमेंट के लिए ये है कि आप बालों को खुद चेक कर सकते हैं। आप जब उठा के अपने बालों को देखेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा कि आपके बालों में कहाँ से कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग कटिंग जब लेते हैं ना तो बाल सेटिंग में नहीं आते, और सेटिंग उसकी वजह से क्या है, वो कट नुमाया नहीं होता, आपकी आपकी हर चीज़ छुप जाती है इसके अंदर। ये देखें ये क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं अक्सर अमूमन मूस जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, फिर ब्लेम क्या है कंपनी पे आता है। आप पहले इसको अच्छी तरह ब्रश शेक अच्छी तरह इसको जो है हिला लीजिए ताकि निकालने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वरना पानी अलहदा रह जाता है, उसका फोम अलहदा हो जाता है। और अगर आप चाहें कोई ड्रायर नहीं करना चाहते, कोई रॉड नहीं यूज़ करना चाहते, तो फिर आपको चाहिए कि अपने मूस लगाने के बाद जो है अपने बालों को जो है ना टॉवल रैप कर दें, या कोई मलमल का कपड़ा लेकर उसमें रैप कर दें, और उससे बालों में फिर आपकी जो खूबसूरत आपकी रेस बनेंगे ना, आपको कोई ड्रायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है आपके बालों में। हाथों की जो फिंगर टिप्स है इसकी मदद से इसको कटिंग में नीचे आ सकते हैं। ऐसी होनी चाहिए कि आप आराम से, अगर आप कहीं बाहर कहीं जाएँ या कहीं पर आप सेटिंग करने में आपको कोई दुश्वारी है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर देखें ना, अगर आपका कट एक प्रॉपर कट होगा तो आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी।
अच्छा एल्फो कॉम्ब से अगर आप करेंगे ना आपको, क्योंकि हम लोग जब फ्लैट कोई कॉम्ब यूज़ करते हैं तो उससे हमारा मसला क्या होता है कि बाल ऑलरेडी फ्लैट हो जाता है। ये एल्फो कॉम्ब्स होते हैं, इसमें बड़े भी आते हैं छोटे भी आते हैं। अब ये देखिए इसमें कॉम्ब भी है, अगर आप चाहें इसमें कॉम्ब भी कर सकते हैं। और ये आपका जो है एल्फो है, एल्फो की मदद से क्या है, मैं सिर्फ जस्ट इनको थोड़ा सा कॉम्ब आउट कर रही हूँ कि इनका जो वेव है वो ख़राब ना हो, इनका जो एक लुक आ रहा है वो उसी तरह रहे। देखिए मैंने इनका फ्लिक्स कैसे उठा रही हूँ आपके सामने, मैंने देखे सिर्फ इनसाइड थोड़ा सा मैंने राउंड भी यूज़ किया, यहाँ भी मैंने कुछ नहीं यूज़ किया। अच्छा इसकी वह खूबसूरती जो इसका फ्रंट है ना शिवता, ये देखिए इसका जो फ्रंट है ना, ये इसका ये सॉफ्ट लुक ये बहुत काउंट करता है। थोड़ा सा आपने देखा होगा लड़के भी बहुत अच्छा अपना वेव्स इसी तरह आगे का फ्रंट बनाते हैं। देखिए इसको उठाने का तरीका यही है, इसको इस तरह आप इसको हल्का हल्का जो है कॉम्ब आउट कर लीजिए। मैं तो वैसे एल्फो ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ऐसी कटिंग्स के लिए बेस्ट होता है, उससे वेव खराब नहीं हो रहा ना। यस अब ये देखिए ऊपर हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ फिंगर टिप से इसको जो है थोड़ा सा ड्राई किया है। और जो आपका बस जो काम हमने किया था वो है कि हमने मूज का इस्तेमाल किया, अदरवाइज जो है इनका कटिंग में हमें कोई वो नहीं है। इस तरह इनके प्रॉपर आपको कट भी नज़र आ रहा है, एक इनका लुक काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहेगा। जब ये बाल बड़े होंगे तो ये फ्लैट होना शुरू होगा, तो इसीलिए आपको एक डेढ़ महीने के बाद अपना कट ले लेना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा भी है तो 3 महीने में तो वैसे भी आपको कटिंग लेनी होती है, तो फिर ये है कि आपका ये लिमिटेड रहता है। हम लोग क्या करते हैं बालों को बढ़ाते चले जाते हैं, फिर 6 महीने बाद हमारे पास आते हैं लोग कहते हैं बाल गिरने लग गए, बाल ख़राब हो गए। बाल क्यों नहीं ख़राब होते, बाल इसलिए ख़राब होंगे कि बालों का जो नीचे की आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपका नीचे का जो शेप का एरिया आपका वो जो है वो डेड हो जाता है। इसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इसी वजह से होती है, बाल बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। जब कट हो जाता है तो आपके नीचे के जो बेजान जो आपके बाल होते हैं वो कट जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कट अच्छा लगा होगा, आज ये हमारे महीने का 3रा कट था। और हमने आपको लॉन्ग हेयर्स का भी दिखाया, हमने शॉर्ट हेयर्स का मतलब एक 1/2 इंच के बाल को भी काट के दिखाया कि लोग डरते हैं कि कटिंग करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे जो हैं बाल कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक अच्छी सैलून में जाएंगे और आपके बाल जो हैं आप जितना कहेंगे वो उसी के मुताबिक काटेंगे। अच्छा ये सारी गलतियाँ कब होती हैं, जब आपके पास न्यू हैंड आपके आप न्यू हैंड के हाथ में आ जाते हैं तो वहाँ ये गलतियाँ, क्योंकि उसको इतना काटना ज़रूर आता है लेकिन उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो बालों को शेयर कर सके कि ये बाल जो है अगर हम 1 इंच लेंगे 2 इंच लेंगे वहाँ पे फिर स्टेप्स कैसे डालने हैं, लेयर कैसे डालने हैं, वो ज़्यादा अगर कट जाते हैं तो नीचे थिनिंग हो जाती है, वो थिनिंग के चक्कर में फिर उसको काटते चले जाते हैं। अब जब वो काटते चले जाते हैं तो फिर आपको लाजिम आता है फिर तो बाल शॉर्ट होगा। इसी तरह यू शेप है, वी शेप है, और मैं आपको कोशिश करूँगी कि और भी एक दो कट्स हैं वो भी दिखाएं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त फैशन में भी हैं, चल भी रहे हैं, ख़ासतौर पर वी शेप बहुत चल रहा है। तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी हमारे कोई क्लाइंट ऐसा हमें मिल गया या हमारे कोई मॉडल ऐसी हुई तो हम आपको ये भी जरूर दिखाएंगे। हुई आपको कैसे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो हमेशा आपसे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हमेशा मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट हैं और इतफाक से आज मैंने कटिंग लेनी थी तो हम लोग सोच रहे थे कि आज किसका कट किया जाए, तो इतफाक से डॉक्टर जोया आ गई और मैंने कहा ठीक है आप शूट कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, आपके बारे में बस आप बहुत अच्छी हैं और बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू जी, आपने कटिंग देखी, इतनी अच्छी कटिंग भेजा ने की है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आपने जिनकी कटिंग हुई इनके हवाले से भी, डॉक्टर साहिबा के हवाले से भी बात सुन ली कि उनको अपनी कटिंग बहुत अच्छी लगी, इस जमाने से ही रिजा से कटिंग करवा रही हैं। नो डाउट रिजा बहुत अच्छे तरीके से आपने सिर्फ कटिंग नहीं की, आपने उसकी सेटिंग भी बहुत अच्छी बताई। थैंक यू, मेरा ये कोशिश होती है कि आप ना जब कट लेते हैं ना तो आपको सेटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो करना पड़े। आप ब्लो ड्राई, बहुत सारे लोगों को ब्लो ड्राई नहीं करना आता, फिर वहाँ मसला खड़ा हो जाता है कि भाई आप क्या करें। अब ये होता है मसला कि बहुत सारे लोगों को ब्लो ड्राइंग नहीं आती, जिसके
की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो ये फ्लैट बिल्कुल बालों को फ्लैट कर लेते हैं। देखिए एक कटिंग लेने के बाद आपको प्रॉपर उसको सेट करना होता है। अब सेटिंग कैसे करनी होती है, सेटिंग देखिए जिस तरह बताई जाती है ना आप उसी तरह करें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना है, अगर मैं इसमें ब्रश करती कोई भी चीज़ करती तो ये बाल फटने लगते। सही, ठीक है। इस बार जो है हमने इसीलिए फिंगर टिप से किया क्योंकि हमारे पास एक होल्ड था कि वो उसे होल्ड कर लेगा। फिंगर टिप से हमने बहुत अच्छा ड्रायर कर दिया जिसकी वजह से इसमें इतना वॉल्यूम आ गया। अब देखिए, अब जब भी आपका चेहरा इस तरह हो कि आप अपने लिफ्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कोई ऐसा कट हो, तो आपको ये अपना फ्रंट थोड़ा सा लिफ्टअप करें। उसको जितना ये ऊंचा रहेगा उतना आपका चेहरा थोड़ा सा स्लिम की तरफ चला जाएगा। तो ये बहुत सारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बार बार बताते हैं लेकिन पता कोई लोग गौर से सुनते नहीं। आप लोग जो ना प्रोग्राम को पूरा देखा करें। आप लोग अच्छा, ये भी बात है कि जब हम लोग फेसबुक पे अपना प्रोमो लगाते हैं तो लोग कहते हैं हमने आपका प्रोग्राम देखा था। मैं क्या देखा था उसका एंड, उसका ये किस तरह होता है? मैंने कहा तो प्रोमो होता है। आप प्रोमो को देखिए, आप प्रोमो का मकसद ये होता है कि अब जो उस पर मेंशन हुआ हुआ है पेनलेस टीवी का या सिंगार विद रीजा, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो फौरन निकल आएगा यूट्यूब पे। तो आप पूरा प्रोग्राम देखें, पूरे प्रोग्राम में तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारे नुकसानदेह हैं, हमारे बालों की सेटिंग किस चीज़ में हमें हेल्प करती है। बिल्कुल, ये सारा जरा अब जरा जो है आप फेसबुक की बजाय थोड़ा यूट्यूब पर आ जाए। इनफेक्ट प्रोमो जो होता है वो सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि अब ये चीज़ अपलोड हो गई है। अपलोड होने का मतलब ये था कि वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। प्रोमो से आप सिर्फ एक झलक देख सकते हैं। हाँ, इसको बहुत आसानी के साथ हम कह सकते हैं वो एक झलक होती है एंड दैट्स इट। और ये है हमारा पूरा शो। तो सेगमेंट अच्छा लगा लाइक कीजिए, शिकम साहब को और ऋचा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।